अनुपम वैभव और अनूठी विविधता समेटे विलक्षण प्रदेश झारखंड, जहां इठलाती हैं नदियां, गाते हैं झरने, झूमते हैं जंगल और पुकारते हैं पहाड़, तो वहीं छिपा है गौरवशाली अतीत, समृद्ध खनिज संपदा और हैं आस्था के अनगिनत केंद्र। इनमें से ही एक है आदि शक्ति पीठ रजरप्पा। सृष्टि के रहस्य हमेशा से ही मानव के लिए कौतूहल का विषय रहे हैं। हिंदू मान्यताओं में इस अदृश्य शक्ति के तीन बिंदु हैं, जिन पर ये चक्र चलता रहता है। ये त्रिचक्र हैं सृजन, पालन और संहार का। आदि शक्ति के 10 स्वरूपों में पंचम रूप है मां छिन्न मस्ता का। 51 सिद्ध पीठों में काम रूप कामाख्या के बाद छिन्न मस्ता का स्थान दूसरा है। कहा जाता है कि राजा राज और उनकी रानी रूम्पा, जो रप्पा के नाम से जानी जाती थी, इन्हीं के नाम से इस स्थान का नाम पड़ा रजरप्पा। राजधानी रांची से रामगढ़ कोला मार्ग पर लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है ये सिद्ध पीठ। इस सिद्ध पीठ से संबंधित कथाएं तो कई हैं, किंतु ये स्थान भौगोलिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। ये त्रिकोण स्थान भैरवी और दामोदर नदी के संगम से बना है। दामोदर को नद और भैरवी को नदी माना गया है, अतएव इस संगम को सृजन अथवा सृष्टि का स्थल कहा जाता है। मां छिन्न मस्ता का मुख्य मंदिर भारत के सर्वाधिक प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहां सिर विहीन मां काली की मूर्ति के पांवों के नीचे सृजन के देवता कामदेव और रति हैं। मां के दाएं हाथ में खड़क और बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है। चर और अचर जीवों की प्रतीक डाकिनी और योगिनी दोनों बाजू में हैं। मां के कटे हुए गर्दन से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं, जिनसे स्वयं माता और डाकिनी और योगिनी का पालन हो रहा है। यही कारण रहा है कि सिद्धिच्छुओं में मां छिन्न मस्ता का विशेष महात्म्य है। यहां मकर संक्रांति तथा विजयादशमी के समय मेले लगते हैं तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटक भी इसमें शामिल होते हैं। यहां प्रत्येक मंगलवार तथा शनिवार को विशेष पूजा होती है, जिसमें काफी संख्या में भक्त आते हैं। श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने के बाद यहां श्रद्धा अर्पित करते हैं। बच्चों का मुंडन संस्कार तथा नए वाहनों की पूजा भी यहां बहुत लोकप्रिय है। भक्तों को भी ये स्थान इतना प्रिय है कि मूल मंदिर के आसपास मां के विभिन्न स्वरूपों के मंदिरों की श्रृंखला बना दी गई है। हरे भरे जंगल से भरी छोटी सी घाटी से सटा ये सिद्ध मनोरम स्थल धार्मिक आस्था के साथ साथ एक सुंदर पिकनिक स्पॉट भी है, जहां साल भर पर्यटक आते रहते हैं। यहां पर्यटकों की सुविधा के लिए गेस्ट हाउस की भी व्यवस्था है। प्राकृतिक सुषमा से संपन्न आस्था के ऐसे केंद्रों की एक सुदृढ़ परंपरा हमारे झारखंड की थाती है। महादेव की नगरी देवघर, बासुकीनाथ आदि कई ऐसे धार्मिक स्थल प्राकृतिक सुषमा और आस्था का ऐसा मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं कि वहां बार बार जाने को मन करता है। तभी तो मन में ऊर्जा भरते हैं, अंतस को ताजा करते हैं। आस्था के ये केंद्र हमारे असीम संभावना रखते हैं।